नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि टॉपिक है कंडेंसेशन, संघनन। कंडेंसेशन का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत होता है, लेकिन कहां पे इसका यूज़ होता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अब पहले साइंस स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर और वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि वाटर वेपर का पानी या पानी की बूंदों में बदलना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। अब वाटर वेपर होता क्या है ये समझ लीजिए। जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको थोड़ा वाटर वेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाटर वेपर जैसे होता है कि जो हमारे पानी के सोर्स हैं, पानी के साधन हैं, तालाब, नदियाँ, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो गर्म होने की वजह से छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में जो हमारा पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगता है, उसी को हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। अब वाटर वेपर वाटर में क्यों बदलता है, या वाटर पानी की बूंदों में बदलता क्यों है आखिर। अब देखिए, इसका फंडा है कि जो हमारा हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ हमारा तापमान फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री 40 डिग्री के बीच में हमारा तापमान है, तो ये अगर बगल में उसका उसके बगल में अगर 0 से लेकर 10 डिग्री तापमान रहेगा तो ये इसके बराबर होने की कोशिश करेगा। अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहता है हमारा, ये मान लीजिए यहाँ पे वाटर वेपर है और ये तापमान है 0 डिग्री का, तो ये जो वाटर वेपर की बूंद, इसमें बूंदे रहेंगी, वाटर वेपर रहेगा, ये जो बूंदे हैं ये इस तापमान में परिवर्तित होने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो रूम का टेम्परेचर रहता है 30 से 40 के बीच में मान लीजिए रहता है गर्मियों में, तो वैसे 28 या 30 के बीच में रहता है नॉर्मल, लेकिन हम समर डेज की बात कर रहे हैं, समर की गर्मी की बात कर रहे हैं। गर्मी में हमारा तापमान मान लीजिए 30 से 40 डिग्री रहता है, हम फ्रिज से कोई भगोना या बोतल निकालते हैं तो उसको आपने देखा होगा कि जो जैसे भगोना रहता है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे छोटे छोटे जो हैं बूंदे जमा हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है, ये इसी का उदाहरण है, क्योंकि जो है वाटर वेपर इसमें रहता है, पानी की बूंदें एक ज़्यादा तापमान की रहती हैं और इधर तापमान जो हमने फ्रिज से निकाला है उस वस्तु का तापमान लगभग या तो 0 पर रहता है तो 10 डिग्री के बीच में हम मान कर चलते हैं, तो इसीलिए ये वाटर वेपर इसी के साथ चिपक जाता है और ठंडा होने की कोशिश करता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी उदाहरण हैं इसके, इसी वजह से जो रेफ्रिजरेटर से या गर्मियों में जो हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसको गिलास में डालते हैं तो गिलास के इर्द गिर्द छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं, जो कि कंडेंसेशन का ही उदाहरण है। और उदाहरण भी हैं, जैसे सुबह सुबह ओस पड़ी रहती है पत्तों पर और घास पर, क्योंकि वहाँ पे भी गर्मी में तापमान जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और रात में जो है ठंडी होकर पत्तों का तापमान कम रहता है तो उस पर गिर जाती हैं। और उदाहरण है कि जैसे हम लोग कई बार बाथरूम में जाते हैं तो अगर शावर से आपने नहाया है तो अगर आप नहा के शीशे के सामने जाएंगे तो आप जब सांस लेते हैं तो वहाँ पे शीशे पर भाप जमा हो जाती है, ये सब उदाहरण कंडेंसेशन के ही हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और इसका कंडेंसेशन का उदाहरण पता लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेफ्रिजरेटर से हमारी वस्तु कोई निकालने पर वो ठंडी रहती है और रूम टेम्परेचर पे आने पर उसके इर्द गिर्द
क्यों जो है छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।